अगर आपको किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे? हाँ, एक तरीका ऐसा है कि आप अपने जो भी आपके पास हार्ड कॉपी है उसको मैन्युअली लैपटॉप में या फिर पीसी में टाइप कीजिए, या फिर मोबाइल में अभी जो एप्स अवेलेबल होती है उसमें टाइप करके उसको मैन्युअली कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत पुराना तरीका है और ये बहुत बेकार तरीका है, क्योंकि ये जो आजकल का टाइम है वो स्मार्ट वर्क करने का है, ना कि हार्ड वर्क करने का। तो आपके लिए मैं कैसे ऐप ढूंढ के लाया हूँ जिसकी मदद से आप बिल्कुल इजी तरीके से इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको जाना है सीधे सीधा प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर में आपको ये इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर की नाम की एक ऐप है जो डाउनलोड करनी है। ये बिल्कुल फ्री है, चिंता मत कीजिए, इसका पेड वर्जन अवेलेबल नहीं है, टोटली फ्री है। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वर्जन्स में बहुत प्रिसाइजली काम करती है, मैंने खुद यूज़ करके देखा है। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये सिंपल सा लेआउट आपको दिखेगा। वहाँ पे आप यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे देखिए ऐड लैंग्वेज है, ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे तो इंग्लिश वाली जो ये वाली लाइन है ये पहले से ही इंस्टॉल की हुई मिलेगी, और बाकी की आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन है, ऊपर कहीं गुजराती का भी ऑप्शन, देखिए गुजराती का भी ऑप्शन है, और बंगाली, और ऑलमोस्ट बहुत सारी जो कि इंडिया में लैंग्वेज यूज होती है उसको भी ये सपोर्ट करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये देखिए यहाँ पे बंगाली है, ठीक है? मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है? तो ये इसको यूज़ करना बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो ये यहाँ पे ये कैमरा वाला, और उसके बाजू में ये जो पिक्चर दिख रही है वो। तो अगर आप यहाँ कैमरा पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप कैमरा ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक पिक ले ली, ठीक है? ये देखिए अब ये पिक आ गई है, तो हम इसको यहाँ से करेक्ट कर देंगे। अब ये हमको क्रॉप करने को बोलेगा, तुमको जितना पोर्शन चाहिए उतना पोर्शन यहाँ पे हम क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है? ये लीजिए, ये हमने क्रॉप कर दिया। यहाँ पे एरो पे क्लिक करके आगे चले जाएंगे। अब ये हमको पूछता है कौन सी लैंग्वेज है, तो ये इंग्लिश है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, 20-30 सेकेंड का, इसको कम्प्लीटली एनालाइज करने में, ठीक है? तो ये अपने स्पीड के हिसाब से ये एनालाइज करेगा, और ये ऐसे ही, ये देखिए ये अपना हो गया, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे पीक में लिखा हुआ था वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। इसमें बहुत सारे कूल फीचर्स है, जैसे कि आप इसको सीधा यहाँ से शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर जीमेल पे या फिर कहीं भी, और यहाँ से आप इसका पीडीएफ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन सारे टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको डाउट लगता है और इसको आप स्पीक करवाना चाहते हैं तो यहाँ से वो स्पीक भी करेगा, ठीक है? बोलेगा भी। तो देखिए यहाँ पे स्पीक टेक्स्ट का ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ से प्ले करेंगे तो ये बोलेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और एक दूसरा तरीका भी है यहाँ पे, यहाँ पिक्चर कोई भी आपके पास रेडी अवेलेबल हो, ठीक है? मैं देखता हूँ हो तो मेरे पास, चलो ये हिंदी में आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये हिंदी वाली एक पिक है मेरे पास अभी अवेलेबल, ये मैंने कोई नेट पर से ही डाउनलोड की हुई है, ठीक है? तो हम इतना यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं, और यहाँ से लैंग्वेज हम चेंज कर देते हैं हिंदी में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये अपने आप प्रोसेस करेगा। हिंदी लैंग्वेज है तो थोड़ी देर लगाएगा, और इंग्लिश होगा तो वो थोड़ा जल्दी काम करेगा, लेकिन काम बहुत एक्यूरेट करता है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये हो जाने तक थोड़ा वेट करते हैं, फिर